आप सुन रहे हैं जुनूनियत, द डेंजरस गेम ऑफ लव, एपिसोड 71। प्रज्ञा के माता पिता के जाने के बाद वो जिंदगी की सारी छोटी छोटी खुशियों को भूल गई थी। अपने चाचा जी के घर पर रहते हुए भी उसे काफी चीजों से समझौता करना पड़ता था। उसे बड़े होते हुए सब कुछ नहीं मिला था। उसके पिता ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो उसे जिंदगी की हर एक खुशी देंगे, लेकिन समय से पहले ही वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। प्रज्ञा अपनी माँ से भी कोई उम्मीद नहीं रख सकती थी, क्योंकि वो उसके पिता के निधन के पहले ही उन दोनों को छोड़कर चली गई थी। इसीलिए आज जब वो फेरिस व्हील में बैठी थी तो उसके मन में एक अजीब सी शांति थी, ऐसी शांति जो कि उसे अपने बचपन में अपने पिता के साय में महसूस होती थी। अब उसका कारण सिद्धांत का वहां होना था या नहीं, इस बात पर प्रज्ञा अभी बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहती थी। वो इस लम्हे को अपनी यादों के किसी कोने में छिपा लेना चाहती थी, ताकि अगर कभी जिंदगी में कभी उसे दुख महसूस हो तो वो इस याद का पिटारा खोल के उसे दोबारा जी सके। उसे नहीं पता था कि उसने इतनी आसानी से सिद्धांत से अपनी मन की बात कैसे कह दी थी, लेकिन अब वो श्योर नहीं थी कि उसने सही किया था कि नहीं, क्योंकि सिद्धांत की नजर एक पल के लिए भी उसके चेहरे से हटी नहीं थी। सिद्धांत ने कभी भी प्रज्ञा को एक ही पल में इतना उदासीन और कुंठित नहीं देखा था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो अपनी जिंदगी का सबसे सुखद और दुख भरी जिंदगी जी रहे हो, क्योंकि सिद्धांत को अपने इमोशंस को सही तरह से एक्सप्रेस करना नहीं आता, तो वो उसे कंसोल करने की जगह बोला, मैं भी अपने बचपन में एक ही बार फेरिस व्हील पर बैठा हूं। उसकी आवाज ने प्रज्ञा को उसकी थॉट से बाहर निकाला। वो आगे बोला, पिताजी को कभी समय नहीं मिलता था कि वो हमारे साथ एटलीस्ट डिनर कर ले, फिर कहीं साथ में घूमने जाना तो दूर की बात थी। उसने एक गहरी सांस ली और आगे बोला, लेकिन मैं जब 10 साल का था तब मुझे अंश भैया मेला घुमाने ले गए थे। उसकी आंखों में एक फार अवे लुक था, जैसे कि मानो वो उस मेमोरी को याद कर रहा हो। प्रज्ञा उसको चाहकर भी नहीं रोकना चाहती थी। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था जिससे प्रज्ञा रिलेट कर सकती थी, क्योंकि वो भी अपने खोए हुए परिवार को याद कर रही थी। लेकिन उसे बस एक बात का डर था कि कहीं वो दोबारा डिप्रेशन में ना चला जाए, उसके भाई की यादें उसे दोबारा डिप्रेशन के दलदल में ना धकेल दे। लेकिन सिद्धांत की आवाज बहुत ही काम और कलेक्टेड थी। उसने आगे कहा, उस दिन मेरे भाई ने नोटिस किया था कि मैं बहुत ही उदास फील कर रहा था और वो मुझे घर के पास मेले में छिपकर ले गया था। वो सिर्फ पहला और आखिरी मौका था जब मैं फेरिस व्हील पर बैठा था। सिद्धांत की कहानी ने प्रज्ञा को भी बहुत दुखी कर दिया था। उसके भाई के जाने के बाद सिद्धांत का बचपन नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं था। उसने वो सारी चीजें छोड़ दी थी जिससे उसे अपने भाई की याद आती थी, लेकिन आज प्रज्ञा को खुश देखने के लिए वो यहां उसके साथ आया था। आज पहली बार वो किसी ऐसी चीज से एक बार फिर रूबरू हो पा रहा था जिससे उसके भाई की याद कनेक्टेड हो, लेकिन इस बार उसे किसी भी तरह की नेगेटिव फीलिंग्स नहीं आ रही थी, बल्कि प्रज्ञा की प्रेजेंस उसके लिए काफी कंफर्टिंग थी। प्रज्ञा उसको इतना खुलते देख बहुत शॉक में थी, लेकिन उसका मन अंदर ही अंदर बहुत खुश था, क्योंकि आज सिद्धांत ने उसको अपनी जिंदगी की किताब के एक पन्ने को पढ़कर सुनाया था। उसका मन आज बहुत ही वार्मथ से भर गया था। वो उसकी तरफ ऑलमोस्ट प्यार से भरी नजरों से देख रही थी, लेकिन अचानक से फेरिस व्हील रुका और प्रज्ञा अपनी इल्यूजन से बाहर आई। प्यार भरी नजरों से? ऐसा मुमकिन ही नहीं था, वो उससे प्यार नहीं करती थी। उसने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि वो सिद्धांत के लिए किसी खिलौने से कम नहीं है, क्योंकि वो उसके साथ जब देखो अलग अलग गेम ही तो खेलता रहता था, और उसका नया लेटेस्ट गेम था कि वो चाहता था कि प्रज्ञा उसके बच्चे की मांग पूरी करे।
वो उसकी जिंदगी का नेक्स्ट चैप्टर नहीं बल्कि उसकी जिंदगी की किताब का एकमात्र पन्ना थी। लेकिन उसको एक बात बहुत अच्छे से मालूम थी कि सिद्धांत अपने बड़े भाई से असलियत में बहुत प्यार करता था और उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता था। उनका बॉन्ड भी बहुत प्योर था, जिसके कारण उसकी मौत के बाद सिद्धांत अपने पिता को कभी भी माफ नहीं कर पाया था। प्रज्ञा भी उससे कुछ कहना चाहती थी। उसने एक लंबी सांस ली और बोली, जितना मुझे मालूम है उससे मैं इतना कह सकती हूं कि तुम्हारे भैया तुम्हें कभी भी दुखी नहीं देखना चाहते होंगे। अब अपने दिल को हल्का कर दो, सारी बुरी बातों को भूलकर अपनी जिंदगी खुशी के साथ जियो। तुम्हारा भाई भी यही चाहता होगा। मैं भी अनाथालय में थी तो रोज रो रो कर पापा को याद करती थी। मैंने भी इस दुनिया को मेरी जिंदगी से कट कर दिया था, लेकिन मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मेरे पिता कभी भी लौट कर नहीं आने वाले और वो मुझे यूं दुखी देखकर खुद भी दुखी होते होंगे। इसीलिए मैंने उस दिन से डिसाइड कर लिया कि मैं खुश रहने की कोशिश करूंगी ताकि मेरे पिता भी खुश रहें। उसकी आवाज अब बहुत ही धीमी हो गई थी। उसे नहीं पता था कि वो सिद्धांत को कंसोल करने की कोशिश क्यों कर रही थी, लेकिन उसका मन सिद्धांत को इतना दुखी होते हुए नहीं देख सकता था। सिद्धांत उसको बहुत ही इंटेंस नजरों से देख रहा था और उसके चेहरे पर कुछ भी नहीं लिखा था। प्रज्ञा को नहीं पता था कि वो क्या सोच रहा था। अचानक से सिद्धांत ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। प्रज्ञा का दिल एक पल के लिए रुक गया क्योंकि उनका पूरा कैरिज बहुत तेजी से हिलने लगा था। उसने अपने आप को बैलेंस करने के लिए कुछ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सिद्धांत ने उसकी वेस्ट को बहुत ही कसके पकड़ा हुआ था। उसने प्रज्ञा की गर्दन में अपना चेहरा छिपा लिया और बोला, प्रॉमिस करो कि तुम मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाओगी, मेरे साथ हर वक्त रहोगी और मुझे कभी भी धोखा नहीं दोगी। प्लीज प्रॉमिस मी। सिद्धांत की आवाज में इतनी वल्नरेबिलिटी थी जो प्रज्ञा ने आज तक नहीं देखी थी। वो इस बात को ऐसे बोल रहा था कि मानो अब प्रज्ञा के अलावा उसका कोई भी नहीं था और वो उसके अलावा किसी और पर ट्रस्ट नहीं कर सकता था। कभी छोड़कर नहीं जाएगी, कभी धोखा नहीं देगी। सिद्धांत की बातें उसे बहुत ही इंटेंस फील करवा रही थी। वो ना कहने की कोशिश कर ही रही थी, लेकिन उसने तब सिद्धांत को एक छोटे बच्चे की तरह उससे प्रॉमिस करने को कहा तो वो अपने आप को रोक नहीं पाई। उसका दिल वहीं पिघल गया। उसने सिद्धांत के बालों को अपने हाथ से सहलाया और उससे कहा, मैं प्रॉमिस करती हूं। उसका जवाब मिलने के बाद वो दोनों ऐसे ही बैठे रहे और सीनरी एंजॉय करते रहे। आज इस सब के बाद प्रज्ञा को लग रहा था कि वो सिद्धांत के काफी करीब आ चुकी थी, लेकिन वो सच्चाई जानती थी कि भले ही वो दोनों कितने ही करीब क्यों ना आ जाए, उन दोनों में हमेशा जमीन आसमान का फर्क रहेगा। अगले कुछ दिनों में प्रज्ञा के ऑफिस में उसका काम कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। वो सुबह जल्दी जाकर रात को बहुत लेट घर वापस आती थी। सिद्धांत को ऑफकोर्स ये बात पता थी। उस दिन अम्यूजमेंट पार्क के बाद वो दोनों कुछ करीब आ गए थे। सिद्धांत उसे हर छोटी बात पर नहीं डांटता था और प्रज्ञा भी अब उससे हर चांस मिलने पर दूर नहीं भागती थी। वो दोनों साथ में ब्रेकफास्ट और डिनर करते थे। उन दोनों के बीच अब चीजें थोड़ी शांत थी। प्रज्ञा का डर कि उसके भाई के बारे में बात करने के बाद सिद्धांत एक बार फिर डिप्रेशन में चला जाएगा दूर हो गया था। सिद्धांत बिल्कुल नॉर्मल एक्ट कर रहा था, जिसका मतलब भले ही वो उसे हर छोटी बात के लिए टोकता नहीं था, लेकिन वो अभी भी उतना ही खड़ूस था जितना पहले। अभी भी वो प्रज्ञा से बच्चे की चाह में था और इसीलिए प्रज्ञा की जिंदगी अभी भी काफी दिक्कतों से भरी हुई थी। आज भी प्रज्ञा को सुबह जल्दी ऑफिस पहुंचना था, लेकिन क्योंकि पिछले कुछ दिनों की थकान और सिद्धांत की बच्चे की चाह ने उसे बहुत थका दिया था और इसीलिए आज वो जब सुबह उठी तो घड़ी में टाइम देख कर चौंक गई। घड़ी के मुताबिक 9 बज रहे थे और उसे 9:30 तक ऑफिस पहुंचना था। वो तुरंत अपने बिस्तर से उठी और नहाने बाथरूम में चली गई।
वहां से आते ही वो फटाफट तैयार हुई और नीचे दौड़ती हुई पहुंची। सिद्धांत वहां उसका ब्रेकफास्ट के लिए वेट कर रहा था। आज उसने प्रज्ञा को इतनी जल्दी में आती हुई देखा तो उसके बौहें कंफ्यूजन से सिकुड़ गई। उसने देखा कि प्रज्ञा बिना ब्रेकफास्ट किए हुए घर से जा रही थी, इसीलिए उसने उसको रोकते हुए कहा, अरे रुको, इतनी जल्दबाजी में कहां जा रहे हो, नाश्ता करके जाओ। लेकिन प्रज्ञा ने अपनी हील्स पहनते हुए उसको जवाब दिया, नहीं मैं कुछ नहीं खा सकती, मैं ऑफिस के लिए लेट हो गई हूँ, मैं रास्ते में कुछ खा लूंगी। लेकिन सिद्धांत उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था। तुम अगर आधा घंटा लेट हो जाओगी तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा, तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, सिद्धांत ने उसे बच्चों की तरह समझाते हुए कहा। लेकिन प्रज्ञा की प्लीडिंग आइज देखकर वो चुप हो गया और बोला, एटलीस्ट सुनील को तुम्हें वहां ले जाने दो। नहीं उसकी जरूरत नहीं है, मैं ट्रैफिक में फंस जाऊंगी, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वहां चली जाऊंगी, प्रज्ञा ने कहा। वो सुनील के साथ कार में जाकर अपने ऑफिस वालों को गॉसिप का टॉपिक नहीं देना चाहती थी। वैसे भी इस बात का शुक्र था कि उस दिन अम्यूजमेंट पार्क में किसी ने उन्हें पहचाना नहीं था, नहीं तो उसका चेहरा न्यूज़पेपर और टैब्लॉइड्स में छपा होता। उसे पायल और आकाश से प्रॉमिस लेना पड़ा था कि वो उसकी और सिद्धांत के बारे में किसी से कुछ ना बोले। वो इस बार कुछ भी नहीं बोला और उसको जाने दिया। जब वो जल्दी से वहां से चली गई तो सिद्धांत को मालूम भी नहीं था कि वो उसकी हरकतों को देखकर स्माइल कर रहा था। मधु वहीं खड़े होकर उन दोनों का इंटरेक्शन देख रही थी। उसने सिद्धांत को ब्रेकफास्ट सर्व करते हुए कहा, तुम आजकल बहुत खुश दिखते हो, सदा ऐसे ही रहो। मधु की बात सिद्धांत के लिए एक शौक की तरह थी। क्या वो सच में आजकल खुश रहता था? ये बात तो पक्का थी कि जब से प्रज्ञा उसकी जिंदगी में आई थी तब से सिद्धांत का गुस्सा कम हो गया था और वो और भी ज्यादा मुस्कुराने लगा था। क्या सच में ये उस लड़की का जादू था? ये सोचते हुए उसने अपना सिर हिलाया, लेकिन इस बार भी उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। प्रज्ञा घर से बाहर निकलते हुए अपने पर्स में मेट्रो कार्ड ढूंढ रही थी। उसे उसकी जरूरत कुछ ही देर में पड़ने वाली थी, लेकिन कुछ गलत था क्योंकि उसके पर्स में उसका गम बॉक्स गायब था। आज जल्दी में उसने पिल भी नहीं ली थी। उसने सोचा था कि वो रास्ते में ले लेगी, लेकिन अब उसने पूरा पर्स छान मारा था, लेकिन वो छोटा बॉक्स कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। डर और नर्वसनेस ने उसके दिल में अपनी जगह बना ली थी। उसकी धड़कनें बहुत तेज हो गई थी, उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसका पिल से भरा बॉक्स कहां चला गया था? शायद जल्दबाजी में उसने उस बॉक्स को कहीं घर में ही गिरा दिया था। उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा और वो तुरंत अंदर घर में चली गई। जब वो अंदर पहुंची तो उसने देखा कि मधु घर की डस्टिंग कर रहे थे। प्रज्ञा को वापस घर में देख मधु बोली, अरे प्रज्ञा क्या हुआ, तुम वापस क्यों आ गई? वो मैं कुछ इम्पोर्टेंट भूल गई थी, उसने मधु से कहा और तुरंत अपने कमरे की तरफ मुड़ी और सीढ़ियां चढ़ने लगी। लेकिन वो बीच में ही रुक गई क्योंकि उसके सामने ब्रॉड फ्रेम के साथ सिद्धांत खड़ा हुआ था जो उसका रास्ता रोके हुए था। जब उसने उसकी तरफ देखा तो प्रज्ञा का दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि मानो वो अभी रुक जाएगा। क्या हुआ, तुम वापस क्यों आई, सिद्धांत ने सीरियस आवाज में कहा। ये प्रज्ञा के लिए पहला क्ल्यू होना चाहिए था, लेकिन वो अपने डर में इतनी खोई हुई थी कि उसने नोटिस नहीं किया कि सिद्धांत उसे बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। वो मैं अपना च्युइंगम का बॉक्स घर पर भूल गई थी, और मेरी आदत है कि मैं खाने के बाद एक माउथ फ्रेशनर खाती हूँ, इसलिए मैं उसे लेने आई थी, प्रज्ञा ने झूठ बोला। वो भी जानती थी कि उसका झूठ बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं था, लेकिन उस वक्त पैनिक में आकर उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आया। वो सिद्धांत के बाजू से निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी आवाज सुनकर वो वहीं रुक गई। ये है क्या वो, सिद्धांत ने उसके गम बॉक्स को अपने हाथ में ऊपर उठाते हुए उससे पूछा। प्रज्ञा की आंखें फटी की फटी रह गई,
क्योंकि सिद्धांत के हाथ में कोई मामूली सा बॉक्स नहीं था, बल्कि वो प्रज्ञा की पिल से भरा बॉक्स अपने हाथों में पकड़े हुए था। उसने तुरंत सिद्धांत के हाथों से वो बॉक्स छुड़वा लिया और बोली, हाँ हाँ मैं इसी की तो बात कर रही थी, कहाँ मिला ये तुम्हें? सिद्धांत की नजर उसके चेहरे से हट नहीं रही थी। उसने नॉर्मल आवाज में कहा, यहीं सीढ़ी पर पड़ा हुआ था। शायद जल्दबाजी में जब प्रज्ञा सीढ़ी उतर रही थी तो उसके पर्स से ये बॉक्स नीचे गिर गया था। थैंक यू, अब मैं जाती हूं। इतना कहकर वो मुड़ी और तुरंत बाहर जाने लगी। तुम इसके लिए यहां वापस आई? इसे तो तुम रास्ते में भी कहीं से खरीद सकती थी। सिद्धांत की आवाज उसके कानों में पहुंची। प्रज्ञा अपने रास्ते में रुक गई और बोली, दरअसल ये मेरी फेवरेट गम है और ये आसानी से नहीं मिलती। उसके मन में उस वक्त जो कुछ भी आ रहा था वो बोले जा रहे थे। उसको उस वक्त सबसे पहले सिद्धांत की नजरों से दूर जाना था। सिद्धांत ने थोड़ी देर कुछ सोचा और बोला, ठीक है चलो अब जाओ, नहीं तो तुम और भी लेट हो जाओगी। प्रज्ञा ने अपना सिर हिलाया और तुरंत बाहर की तरफ चली गई। लेकिन उसने ये नहीं देखा कि सिद्धांत के हाथ में एक पिल थी जिसे उसने प्रज्ञा के आने से पहले उस बॉक्स से निकाल लिया था। क्या होगा आगे? क्या सिद्धांत को अब फाइनली प्रज्ञा के धोखे के बारे में मालूम चल जाएगा? क्या होगा उसका अंजाम? क्या वो प्रज्ञा के इस धोखे का बदला लेगा? आखिर कैसे? जानने के लिए सुनते रहिए जुनूनियत, द डेंजरस गेम ऑफ लव, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। जुनूनियत, द डेंजरस गेम ऑफ लव, एपिसोड 72। सिद्धांत के हाथ में जो पिल थी उसे उसने अपनी आंखों के सामने रखा और उसके मन में हजार सवाल उठने लगे। अगर वो सिर्फ एक च्युइंगम का पैकेट था तो प्रज्ञा उसके लिए इतनी हड़बड़ाते हुए वापस क्यों आई थी? कोई भी इंसान एक मामूली से च्युइंगम के लिए इतना घबराया नहीं रहता। और अगर प्रज्ञा जो कुछ भी कह रही थी वो सच भी था तो फिर उसने सिद्धांत के हाथ से वो बॉक्स ऐसे क्यों छुड़ाया था जैसे उसमें उसकी जान बसती हो? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी थी, दाल में कुछ जरूर काला था। उसको पता था कि च्युइंगम्स में से मिंट की खुशबू आती है, लेकिन उसे इस व्हाइट पिल से वैसी कोई भी सुगंध नहीं आ रही थी। सुनील उसकी कार के साथ रेडी था। सिद्धांत ने उस पिल को कोई एक टिश्यू में लपेटकर सुनील को पकड़ाया और कहा, पता लगाओ कि ये क्या है, मुझे इसका रिजल्ट जल्द से जल्द चाहिए। सुनील ने उसके हाथ से वो टिश्यू लिया और तुरंत काम पर लग गया। दोपहर में वो अपने काम में बिजी था, लेकिन उसका मन अभी भी बहुत भटका हुआ था। वो सोचना भी नहीं चाहता था कि उसे प्रज्ञा ने धोखा दिया था। उसके ऑफिस डोर पर एक नॉक आई। जब दरवाजा खुला तो सुनील अंदर आया। उसका चेहरा बहुत ही सीरियस दिखाई दे रहा था। इसी से सिद्धांत समझ गया था कि कुछ ना कुछ दिक्कत थी। बॉस, जो आपने रिजल्ट्स मंगाए थे वो आ चुके हैं। सुनील उसके बाजू में आकर खड़ा हुआ और बोला। सिद्धांत ने अपने हाथ में लिए हुए पेन को बहुत जोर से थाम लिया और बोला, क्या आया है रिजल्ट्स में? सुनील ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई। सुनील, मेरे अंदर इतना पेशेंस नहीं है, मुझे सच सच बताओ। जब सुनील कुछ देर शांत रहा तो सिद्धांत ने सुनील की तरफ देखते हुए कहा। सुनील अपने बॉस का गुस्सा जानता था। उसने कहा, सर वो कोई च्युइंगम नहीं थी, एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव थी। ये सुनते ही सिद्धांत की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या प्रज्ञा कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रही थी? उसके पीठ पीछे वो उसे धोखा दे रही थी? जब वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी तो सिद्धांत उसे डॉक्टर के यहां ले गया। यहां तक कि उसने सभी डॉक्टर्स की बात भी मानी। उसने आज तक वो सब कुछ किया जिसके वजह से उसे लग रहा था कि प्रज्ञा प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी।
लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसके प्रेग्नेंट ना होने की वजह सिद्धांत की आंखों के सामने थी। लेकिन वो अभी तक उसे फुलिश बना रहे थे। उसको इतनी चिंता थी कि कहीं प्रज्ञा किसी बीमारी से तो नहीं जूझ रही थी। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने गुस्से से अपने दोनों हाथ टेबल पर पटके और चिल्लाते हुए बोला, प्रज्ञा, ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुम्हें इसका अंजाम सहना ही होगा। इस बार वो जो एक बात समझ नहीं पाया था वो ये थी कि इस बार उसका दिल भी बहुत दुखा था। उसने प्रज्ञा पर ट्रस्ट किया था और उसे उस ट्रस्ट का ये नतीजा मिल रहा था। उसका गुस्से से खून खौल गया। प्रज्ञा 2 घंटे की लंबी मीटिंग के बाद जब मीटिंग रूम से निकली तो उसकी कोवर्कर उसके पास आई और बोली, प्रज्ञा, तुम्हारा फोन कब से बजे जा रहा है, 1 मिनट के लिए भी नहीं रुका। प्रज्ञा की बौहें कंफ्यूजन से सिकुड़ गई। उसने तो किसी को भी कॉल नहीं किया था, तो फिर उससे कौन कनेक्ट करने के लिए मचल रहा था। जब उसने अपने फोन को देखा तो मिश्रा अंकल के 10 मिस्ड कॉल्स पड़े हुए थे। मिश्रा अंकल उसके पापा की फैक्ट्री में काम करते थे। उसके पापा के गुजर जाने के बाद उसके चाचा जी ने उस फैक्ट्री को संभाल लिया था, लेकिन फैक्ट्री के कई पुराने वर्कर्स अभी भी वहीं काम करते थे। उसकी फैमिली को छोड़कर वही कुछ लोग थे जो प्रज्ञा की जिंदगी में मायने रखते थे। वो लोग प्रज्ञा को अपनी बेटी की तरह मानते थे और उसकी बहुत देखभाल करते थे। वो उन लोगों से ज्यादा नहीं मिलती थी, लेकिन उनका बॉन्ड हमेशा से ही बहुत स्ट्रांग रहता था। इसलिए जब उसने मिश्रा अंकल के इतने सारे मिस्ड कॉल्स देखे तो वो चौंक गई, क्योंकि वो उसको कभी भी इतने फोन नहीं करते। उसने तुरंत उनको कॉल बैक किया। जब उन्होंने कॉल उठाया तो उनकी आवाज में पैनिक साफ था। वो बोले, प्रज्ञा, आज दोपहर में कुछ लोग फैक्ट्री इंस्पेक्शन के लिए आए और पांडे, वर्मा और तिवारी को फैक्ट्री से निकाल दिया, क्योंकि वो लोग अब बूढ़े हो गए थे और उनसे काम संभाला नहीं जाएगा। मैंने तुम्हारे चाचा जी से इस बात में बात करनी चाहिए, लेकिन उनके मुताबिक वो इंस्पेक्शन करने आए लोग बहुत ही बड़ी कंपनी से आए थे, यह और हम उनके खिलाफ नहीं जा सकते थे। मिश्रा अंकल के साथ वो तीनों लोग भी प्रज्ञा के बहुत करीब थे, लेकिन उन तीनों को आखिर किसने और क्यों निकाला था? लेकिन अंकल, यूं अचानक से ऐसा कैसे हुआ? ये कौन सा बड़ा क्लाइंट था जिसने ऐसा किया? प्रज्ञा खुद इस बात का पता लगाना चाहती थी। जहां तक मुझे याद है, वो लोग माहेश्वरी एम्पायर से आए थे। कीर्ति ने अभी उनके छोटे बेटे से शादी की है ना, फिर वो ऐसा क्यों करके गए? मिश्रा अंकल की आवाज में गुस्सा था, लेकिन उनकी बात सुनकर प्रज्ञा का दिल बैठ गया। माहेश्वरी ग्रुप से किसी ने ऐसा किया था? करण का ये सब करने का कोई मतलब नहीं बनता है, जिसका मतलब इसके पीछे सिद्धांत का। जैसे ही उसके मन में ये ख्याल आया, उसका दिल एक पल के लिए धड़कना बंद हो गया। उसे इस बात का विश्वास होने लगा था कि इसके पीछे सिद्धांत का हाथ इसीलिए था क्योंकि जितने भी लोगों को फायर किया गया था वो सभी प्रज्ञा को बचपन से जानते थे और उसकी बहुत परवाह किया करते थे, जिसका मतलब उनको फायर करना उसके चाचा पर वार करना नहीं था, बल्कि उस पर वार था जो प्रज्ञा के करीब थे। और अगर इसके पीछे सिद्धांत का हाथ नहीं था तो किसका होगा? लेकिन प्रज्ञा को एक बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर सिद्धांत ऐसा क्यों करेगा। लेकिन उसके मन में जिस बात का जवाब आया उसके बारे में वो सोचना भी नहीं चाहती थी। क्या सिद्धांत को सब कुछ मालूम चल गया था? प्रज्ञा, प्रज्ञा, क्या हुआ, तुम शांत क्यों हो गई? मिश्रा अंकल की आवाज ने उसे उसके थॉट से बाहर खींचा। मैं यही हूं अंकल, बस सॉल्यूशन के बारे में सोच रही हूं, उसने उनको दिलासा देते हुए कहा। खैर, तुम जानती ही हो कि पांडे, वर्मा और तिवारी अपने घर में कमाने वाले इकलौते इंसान हैं। पांडे की माँ की तबीयत बहुत खराब रहती है और वर्मा के बच्चे अभी भी कॉलेज में हैं, और तिवारी की तो तुम पूछो ही मत। इस उम्र में उन्हें कहीं और नौकरी भी नहीं मिलेगी,
वो लोग यूं ही मर जाएंगे। कुछ करो प्रज्ञा बेटा। मिश्रा अंकल की आवाज में डर को सुनकर वो बहुत ही ज्यादा दुखी थी। मैं कुछ ना कुछ करती हूँ अंकल, आप फिक्र मत कीजिए, उसने उनको आश्वासन देते हुए कहा। उसने उस दिन का काम खत्म किया, लेकिन उसे कंसंट्रेट करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। उसका मन हजार दिशाओं में जा रहा था। वो जानती थी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी। उसने एक टैक्सी ली और माहेश्वरी एम्पायर की बिल्डिंग के बाहर पहुंची। अंदर जाते ही उसने सीईओ के ऑफिस के लिए लिफ्ट ली। एक हफ्ते के लिए यहाँ काम करने के बाद वो कंपनी के सारे रास्ते जान चुकी थी। उसके फ्लोर पर पहुंचते ही प्रज्ञा ने डायरेक्ट सिद्धांत के ऑफिस की तरफ अपने कदम बढ़ाए। उसको देखकर निशा चौंक गई थी, लेकिन उसने प्रज्ञा को रोकने के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। निशा की नजर प्रज्ञा के गुस्से भरे चेहरे पर थी। जब फाइनली अंदर से कामिन की आवाज आई तो वो ऑफिस के अंदर पहुंची। सिद्धांत ने उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, उसको एक्नॉलेज तक नहीं किया। ये प्रज्ञा के लिए एक चेतावनी की तरह होना चाहिए था, लेकिन वो इतने गुस्से में थी कि उसने किसी और बात पर ध्यान भी नहीं दिया। वो लंबे कदम लेकर सिद्धांत के सामने खड़ी हो गई और बोली, मुझे कुछ बात करनी है। लेकिन सिद्धांत अभी भी अपने डॉक्यूमेंट्स में ही बिजी था, जैसे कि प्रज्ञा की तरफ देखना भी उसके लिए टाइम की बर्बादी थी। बोलो क्या हुआ? उसकी आवाज में कोई भी इमोशंस नहीं थे। प्रज्ञा ने एक गहरी सांस ली और चिल्लाते हुए बोली, चाचा जी के फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम कर रहे थे, क्या तुमने उनको वहां से निकाला है? सिद्धांत ने पिछले 5 मिनट में पहली बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें बिल्कुल ब्लैंक थी, उनमें प्रज्ञा के लिए कोई भी कंपैशन नहीं दिखाई दे रहा था। तुम मेरे ऑफिस में आकर मुझ पर चिल्ला रही हो, इसका मतलब तुम्हें अंदाजा होगा ही कि क्या हुआ है, सिद्धांत ने कहा। प्रज्ञा की नाक गुस्से से फूल गई। उसने अपनी आवाज को कंट्रोल करते हुए कहा, इसका मतलब कि तुमने ही उनको फायर किया है। प्रज्ञा ये बात सिद्धांत के मुंह से सुनना चाहती थी। हाँ, जैसे ही उसके मुंह से वो शब्द निकला, प्रज्ञा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। क्या वो सारे पल जो उन्होंने साथ बिताए थे उनका कोई मतलब नहीं था? क्या सच में वो एक राक्षस प्रवृत्ति के आदमी को पसंद करती थी? क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया? वो लोग उस फैक्ट्री में तब से हैं जब से मेरे पिता ने उसे खोला था। उन लोगों ने अपनी जिंदगी उस जगह बिता दी है, उनके परिवार उस फैक्ट्री के बदौलत चल रहे थे, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? आखिर उनके क्या गलती थी? प्रज्ञा की आवाज अब इतनी ऊंची हो गई थी कि अगर कोई सिद्धांत के ऑफिस के बाहर हो तो उसे भी सब कुछ सुनाई दे जाए। सिद्धांत अब अपने आप को रोक नहीं पाया। वो अपनी चेयर से उठा, जिसके कारण उसकी डेस्क पर रखे पेपर सारे हवा में उड़ गए और उसकी तरफ गुस्से से आया। और जब उनके बीच एक सांस की दूरी बची थी, वहां रुक गया और बोला, ये सवाल तुम्हें खुद से पूछना चाहिए। उसकी आवाज में जो गुस्सा और कड़वाहट थी, उसे सुनकर प्रज्ञा चौंक गई थी। उसने शॉक के कारण अपने कदम पीछे लिए। सिद्धांत की आंखों में उसके लिए इतनी नफरत दिख रही थी कि मानो इस दुनिया में वो उसकी सबसे बड़ी दुश्मन हो। मैंने क्या किया है? प्रज्ञा को कहीं ना कहीं पता था कि सच क्या था, लेकिन उसका मन इतना डरा हुआ था कि वो सच्चाई को मानने को तैयार नहीं थी। वो खुद से ये स्वीकार नहीं करना चाहती थी कि सिद्धांत को उसकी सच्चाई पता लग गई है। इसीलिए उसने धीमी आवाज में पूछा। उसका गुस्सा अब नर्वसनेस और डर में बदल गया था। सिद्धांत दोबारा उसके पास आया और न जाने कैसे वो उसके डेस्क की तरफ मुड़ गई थी, और अब सिद्धांत की बॉडी ने उसे उस डेस्क के अगेंस्ट ड्रॉप कर लिया था। उसने प्रज्ञा की चिन अपने हाथ में पकड़ी और बिट्रेयल भरी आवाज के साथ उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें सब कुछ मालूम है,
इतनी भोली बनने की कोशिश मत करो। उसकी सांस उसके गले में अटक गई, उसके हाथ पैर कांपने लगे और उसके माथे पर पसीना आ गया। उसके मन से एक आवाज आई, सिद्धांत को सब मालूम पड़ गया था, लेकिन कैसे? उसने एक बार फिर से अपना मुंह खोलकर कहा, मुझे नहीं पता कि तुम क्या। लेकिन सिद्धांत ने उसे एक और शब्द कहने का मौका नहीं दिया। उल्टा उसने प्रज्ञा से उसका पर्स छीना और उसका सारा सामान अपनी डेस्क पर गिरा दिया। उस सामान में वो च्युइंगम का बॉक्स भी था। उसने तुरंत उस बॉक्स को उठाया और उसकी सारी पिल्स नीचे जमीन पर गिराते हुए प्रज्ञा की तरफ इतने दर्द भरे एक्सप्रेशन के साथ देखा कि उसे देखकर किसी का भी दिल टूट जाए। प्रज्ञा के चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी, उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। उसे मालूम था कि एक ना एक दिन शायद सिद्धांत को उसके झूठ का पता चल जाएगा, लेकिन उसे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके सामने ये सच इस तरह आएगा। वो जहां खड़ी हुई थी वहीं फ्रीज हो गई। उसके दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था, बल्कि उसकी आंखें फ्लोर पर बिखरी पिल्स पर थी और सिद्धांत के बेट्रेयल से भरे एक्सप्रेशन पर। सिद्धांत को लगा था कि उस दिन फेरिस व्हील पर जो कुछ भी हुआ था उसके बाद प्रज्ञा उसे कभी भी धोखा नहीं देगी। आखिर उसने इस बात का प्रॉमिस किया था। लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी सपनों की दुनिया में ज्यादा दिन नहीं रह सकता। एक ना एक दिन वो सपना टूट ही जाता है और आज सिद्धांत को बिल्कुल वैसा ही महसूस हो रहा था। उसका सपना आज टूट चुका था। उसके भाई की मौत के बाद उसने पहली बार किसी को अपनाया था, किसी पर इतना विश्वास किया था। लेकिन दुनिया सच ही कहती है कि कभी भी किसी को इतनी ताकत नहीं देनी चाहिए कि वो इंसान आपको बर्बाद करने की ताकत रखता हो। उसके दिल में आज इस तरह का दर्द था जिसे उसने कभी भी इमेजिन नहीं किया था, जैसे कि एक बार फिर उसका कोई अपना उसे छोड़कर चला गया हो। प्रज्ञा जानती थी कि उसे कुछ बोलना होगा और जल्द ही बोलना होगा, नहीं तो सब कुछ उसके हाथ से छूट जाएगा। उसने अपनी पूरी हिम्मत लगाई और धीमी और ग्रिम आवाज के साथ बोली, मैं मानती हूं गलती मेरी है, लेकिन उसकी सजा उन बेचारों को क्यों मिल रही है? प्लीज उन्हें नौकरी वापस दे दो। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूं, नहीं तो वो लोग मर जाएंगे। प्रज्ञा जानती थी कि अपनी गलती कबूलना ही उसके लिए सही था। वो अपनी गलती की सजा किसी मासूम को नहीं मिलने देगी। लेकिन सिद्धांत सब कुछ जानता था। वो जानता था कि पांडे, वर्मा और तिवारी प्रज्ञा के पिता की फैक्ट्री में दशकों से काम करते आ रहे हैं। वो जानता था कि वो प्रज्ञा के दिल के कितने करीब थे। वो ये भी जानता था कि अगर उसने उनको दुख पहुंचाया तो प्रज्ञा को कितना दुख होगा। वो सब कुछ जानता था, लेकिन उसका मकसद ही यही था। वो चाहता था कि प्रज्ञा को दर्द हो, उसको दुख पहुंचे, उसको भी मालूम चले कि सिद्धांत का दिल इस वक्त कितने दुख में था। और ऐसा करने के लिए उसे प्रज्ञा के दिल के करीब जो भी था उसे नुकसान पहुंचाना पड़ा। उनकी नौकरी लौटा दो। लेकिन क्यों, तुम्हें भी तो अपनी गलती का एहसास होना चाहिए, सिद्धांत ने टीजिंग टोन में कहा। लेकिन उसकी आवाज में भरे दर्द और गुस्से को वो छिपा नहीं सका। वो जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया और प्रज्ञा की तरफ उन इंटेंस आंखों से देखने लगा। उसकी आंखों में उसके लिए जो भी वॉर्म्थ थी वो गायब हो चुकी थी। उसकी जगह अब बस बहुत सारा धोखा और गम था। प्रज्ञा को मालूम था कि ये उसकी गलती थी। क्या होगा आगे? क्या सिद्धांत प्रज्ञा को कभी माफ कर पाएगा? क्या प्रज्ञा उसको समझा पाएगी कि उसने जो कुछ भी किया था उसके पीछे क्या रीजन था? क्या सिद्धांत उस पर दोबारा ट्रस्ट कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए जुनूनियत, द डेंजरस गेम ऑफ लव, ओनली ऑन पॉकेट FM। जुनूनियत
द डेंजरस गेम ऑफ लव एपिसोड 73। प्रज्ञा अपनी जिंदगी में हमेशा इस तरह रही कि उसकी वजह से किसी को भी कोई दुख ना पहुंचे। उसे बचपन से लगता था कि उसके माँ के चले जाने की वजह और कोई नहीं बल्कि प्रज्ञा थी। उसको लगता था कि अगर वो अच्छे से रहती तो शायद उसकी माँ उसे और उसके पिता को छोड़कर नहीं जाती। और यही वजह थी कि उसके बाद से प्रज्ञा ने डिसाइड कर लिया था कि वो आज के बाद किसी को भी अपनी वजह से दुख नहीं पहुंचने देगी। इसी कारण उसने अपनी लालची चाचा चाची जी को उसे सब कुछ लेने दिया। लेकिन कहते हैं कि गलतियां सभी से होती हैं, लेकिन उन गलतियों को स्वीकार करके उनके खिलाफ काम करना आसान नहीं होता। प्रज्ञा उन तीनों लोगों की नौकरी जाने का भार नहीं सह सकती थी। उसने गुस्से में अपने दोनों हाथ टेबल पर रखे और सिद्धांत की तरफ झुकते हुए कहा, सिद्धांत, गलती मुझसे हुई है तो सजा भी मुझे मिलनी चाहिए, फिर वो लोग सफर क्यों करें? वो सिद्धांत से बस इतना चाहती थी कि वो उन तीनों को बख्श दे, भले ही फिर वो उसे पनिश कर दे। लेकिन सिद्धांत भी बहुत कठोर दिल का व्यक्ति था। उसने प्रज्ञा की एक भी गिड़गिड़ाहट पर ध्यान नहीं दिया, उल्टा वो चाहता था कि प्रज्ञा को भी उतना ही दुख पहुंचे जितना उसको हुआ था। वो भी चिल्लाते हुए बोला, तो उन लोगों को भी पता लगने दो कि आखिर उनका असल दोषी कौन था, क्यों वो बेचारे इतना भुगत रहे थे। उसकी आवाज में इतनी नफरत भरी हुई थी कि एक पल के लिए प्रज्ञा कुछ भी नहीं कह पाई। सिद्धांत की जिद को देखकर प्रज्ञा भी बहुत गुस्से में थी। वो हो रही नाइंसाफी के खिलाफ थी और चुप नहीं बैठने वाली थी। वो हार मानने वालों में से नहीं थी। वो अपनी गलती की सजा किसी और को बेशक नहीं भरने देने वाली थी। उसने दूसरा रास्ता अपनाने की कोशिश की, वो रास्ता जो सिद्धांत के साथ कई बार काम कर गया था। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और एक गहरी सांस लेते हुए खुद को शांत किया। वो जानती थी कि उन दोनों में से किसी को ठंडे दिमाग से काम लेना पड़ेगा और उसे अच्छे से मालूम था कि सिद्धांत उस रास्ते पर चलने को कतई मंजूर नहीं होगा। उसने बहुत ही धीमी और काम आवाज में सिद्धांत को एक और बार समझाने की कोशिश की, सिद्धांत, मुझे पता है कि गलती मेरी है, लेकिन प्लीज उन लोगों को जाने दो, उनको वापस फैक्ट्री में आ जाने दो। पांडे अंकल की माँ बहुत बीमार रहती है और उनका बेटा अभी पढ़ाई कर रहा है, वो कैसे अपना गुजारा करेंगे? प्रज्ञा ने सिद्धांत को कन्विंस करते हुए कहा। उसे मालूम था कि उसकी बातों का कोई भी मतलब नहीं निकलेगा, लेकिन वो बिना ट्राई करे गिव अप नहीं करना चाहती थी। लेकिन सिद्धांत कहां उसकी एक भी सुनने वाला था, उल्टा वो उसकी बातों पर हंसते हुए बोला, तो उसमें मैं क्या करूं? अगर उनमें टैलेंट है तो उन्हें जल्दी दूसरी जॉब मिल जाएगी, और नहीं मिली तो वो उनकी प्रॉब्लम। चलो अब जाओ यहां से, मुझे बहुत काम है, उसने हार्टलेस बनते हुए कहा। लेकिन सिद्धांत, प्रज्ञा की आवाज भी अब उसे अपने कानों में चुभ रही थी। उसका पेशेंस लेवल खत्म हो रहा था, इसलिए उसने अपना ऑफिस फोन उठाया और उसमें चिल्लाते हुए कहा, निशा, मिस प्रज्ञा को यहां से बाहर निकालो। उसकी बातें सुनकर वो एक बार फिर से शॉक में चली गई थी। क्या उससे सच में इतनी बड़ी गलती हो गई थी कि सिद्धांत उसे कभी भी माफ नहीं करेगा? निशा दौड़ते हुए ऑफिस में आई और ऑफिस का टेंशन से भरा माहौल देखकर काफी चौंक गई। उस दिन रात को जब सिद्धांत ने उसे गुस्से में घर बुलाया था, तब वो प्रज्ञा को कितनी अच्छे से ट्रीट कर रहा था, फिर आज क्या हो गया था? आज क्यों वो निशा से प्रज्ञा को ऑफिस से निकालने को कह रहा था? आखिर प्रज्ञा ने ऐसा क्या कर दिया था जिसकी वजह से सिद्धांत इतने गुस्से में था कि उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था? लगता है कि वो जो कुछ भी सोच रही थी वो बिल्कुल भी सही नहीं था, क्योंकि शायद प्रज्ञा सिद्धांत के इतने करीब भी नहीं थी। वो उसे जब चाहे अच्छे से ट्रीट करता था और जब मन करे उस पर अपनी भड़ास निकाल देता था।
ये सोचते हुए उसे रियलाइज हुआ कि प्रज्ञा को वो जितना वैल्यू दे रही थी उतनी जरूरत नहीं थी, और वो उसकी तरफ पूरे रौब से बढ़ी और उसके बाजू को पकड़ते हुए उससे कहा, मिस प्रज्ञा, प्लीज आप ऑफिस के रूल्स को नहीं तोड़ सकती हैं, आप मेरे साथ चलिए। निशा उसे जबरदस्ती ऑफिस से बाहर खींचते हुए ले गई। प्रज्ञा सिद्धांत से गिड़गिड़ाती रही और उसकी तरफ देखती रही, लेकिन मानो जैसे सिद्धांत उसके एग्जिस्टेंस से ही नफरत करने लगा हो। उसने एक बार भी अपना सिर उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा। ऑफिस के बाहर उसने निशा का हाथ झटकार दिया और एक बार फिर सिद्धांत के ऑफिस की तरफ बढ़ी, लेकिन इस बार निशा ने उसका रास्ता रोक लिया और बोली, मिस प्रज्ञा, बॉस अभी आपसे बात नहीं करना चाहते। अगर आपने अंदर जाने की जबरदस्ती की तो मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। अगर सिद्धांत ने उसके सामने प्रज्ञा से ऐसा व्यवहार नहीं किया होता तो आज निशा की हिम्मत नहीं होती उसे ये सब कहने की, लेकिन शायद निशा को अब पता चल गया था, इसीलिए प्रज्ञा ने एक हताशा भरी सांस ली और वहां से चली गई। जब वो घर पहुंची तो रात बहुत हो गई थी, उसे बिल्कुल भी भूख नहीं थी, इसीलिए वो घर जाकर अपने कमरे में सीधा चली गई। वो सिद्धांत का गुस्सा समझ रही थी, लेकिन उसकी वजह से किसी और को दुख पहुंच रहा था वो उसे मंजूर नहीं था। वो जानती थी कि सिद्धांत उन तीनों को फैक्ट्री में नहीं आने देगा। वो तीनों अंकल उसको बचपन से जानते थे, वो उसके पिता के सबसे पहले एम्प्लॉयज थे। उन्होंने प्रज्ञा को एक नन्नी बच्ची से इस उम्र तक आते हुए देखा था और वो उन्हें ऐसे सफर नहीं करने देगी। प्रज्ञा शांत नहीं बैठने वाली थी। वो अपने बिस्तर से उठी और उसने तुरंत अपने पर्स से एटीएम निकाला और उसके अकाउंट में जितने भी पैसे थे उन्हें लेकर वो मिश्रा अंकल के घर पहुंची। मिश्रा अंकल ने उसे बताया कि वो तीनों लोग बहुत ही दुखी थे और उन्हें कोई और रास्ता नहीं सूझ रहा है। बिना किसी हिचकिचाहट के प्रज्ञा ने अपने बैग से वो पैसे निकाले और मिश्रा अंकल के हाथों में उन्हें थमाते हुए बोली, मैंने ये कुछ पैसे जमा किए थे, आप सभी के लिए उन्हें ये दे दीजिए। मुझे मालूम है कि इससे कुछ भी नहीं सुधरेगा, लेकिन फिर भी। उसने अभी तक जितना भी कमाया था सब कुछ उस बैग में था। सिद्धांत उसको सारी फैसिलिटीज दिए हुए था, इसलिए उसे किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी। इसलिए उसने बिना किसी झिझक के वो पैसे उन तीनों को देने का फैसला लिया था। उसे मालूम था कि वो पैसे उनकी ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट उसे थोड़ी तो हेल्प होगी ही। उसके इस जेस्चर से मिश्रा अंकल बहुत चकित थे। प्रज्ञा बेटा, ये तुम्हारी मेहनत के पैसे हैं, इन्हें वो बिल्कुल भी नहीं लेंगे, वो अपनी बेटी से पैसे कैसे ले सकते हैं। वो बोले, नहीं नहीं अंकल, आप प्लीज इन्हें रखिए, आप सभी ने मेरे पिताजी का बहुत साथ दिया था और उस फैक्ट्री के लिए भी आपने बहुत खून पसीना बहाया है, दिस इज द लीस्ट आई कैन डू, और वैसे भी मेरी वजह से ही। उसने उन्हें समझाया, लेकिन वो अपनी बात उनसे कह नहीं पाई। अभी भी उसके मन में बहुत गिल्ट था। उसकी दृढ़ता देखकर मिश्रा अंकल उसकी बात मान गए और बोले, ठीक है बेटा। जब वो वापस आई तो देर रात हो गई थी। वो अपने आप को डांट खाने के लिए तैयार कर रही थी। उसे लगा था कि सिद्धांत एक बार फिर मौका नहीं छोड़ेगा उसे खरी खोटी सुनाने का, लेकिन वो जब घर वापस आई तो उसे मधु के अलावा घर में और कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसने नोटिस किया कि सिद्धांत कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। उसने एक चैन की सांस ली। वो दोबारा बच्चों की तरह डांट खाने को रेडी नहीं थी। उसे मालूम होना चाहिए था कि वो उसे गुस्सा था तो वो घर क्यों ही वापस लौटेगा, वो उसे पूरा गिल्ट महसूस करवाएगा। वो सिद्धांत की ये छोटी छोटी ट्रिक्स जानने लगी थी। भले ही उसने सिद्धांत से झूठ बोला हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसने कुछ गलत किया था। प्रज्ञा, तुम आ गई, तुम्हें भूख लगी होगी, मैं अभी डिनर सर्व करती हूँ। मधु ने उसे घर के अंदर आते हुए देखा और बोली, नहीं
मुझे भूख नहीं है, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहती हूँ, प्रज्ञा ने थकी हुई आवाज में कहा। उसकी बात सुनकर मधु ने उसको एक बार अच्छे से देखा। प्रज्ञा के चेहरे पर बहुत थकान दिख रही थी, लेकिन उसके साथ साथ उसके लुक्स में ऐसा भी था जिसे देखते हुए मधु बोली, तुम्हारी और सिद्धांत की लड़ाई हुई है क्या? मधु को लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सिद्धांत हर दिन घर पर ही रहता था, लेकिन आज उसका अभी भी कोई आता पता नहीं था। और जिस तरह प्रज्ञा के चेहरे पर दुख और थकान दिख रही थी, तो मधु एक ही कंक्लूजन पर पहुंची थी, लड़ाई। प्रज्ञा को पता भी नहीं था कि जो कुछ भी आज उसके और सिद्धांत के बीच में हुआ था वो लड़ाई थी या कुछ और, क्योंकि उसे सिद्धांत से लड़ाई करने का क्या ही हक था, वो थी ही कौन। उस दिन के बाद सिद्धांत काफी दिनों तक घर वापस नहीं लौटा था। पहले कुछ दिनों तक प्रज्ञा को बहुत ही दुख हो रहा था कि उसकी वजह से सिद्धांत अपने ही घर नहीं आ रहा था, लेकिन फिर उसका वो गिल्ट गुस्से में बदल गया। वो एक तरीके से खुश ही थी कि सिद्धांत से उसका सामना नहीं हो रहा था, न जाने वो उसे क्या क्या बोल जाती। उसका मेन कंसर्न था कि जो भी पैसे उसने उन लोगों को दिए थे वो जल्द ही खत्म होने वाले होंगे, और अब इस उम्र में उन्हें जॉब ढूंढने में भी बहुत दिक्कत होगी। वो चाहती थी कि वो उनकी जितनी भी मदद कर पाए वो कर दे, इसलिए उसने पायल को कॉल किया। पायल उसकी आवाज सुनकर ही समझ गई थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ था। उसने प्रज्ञा से जब पूछा कि सब कुछ ठीक है या नहीं, तब वो बोली, पायल तुम्हें किसी ऐसी जॉब के बारे में मालूम है जिससे तुरंत पैसे मिलते हों? उसे मालूम था कि पायल की भी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए वो पार्ट टाइम जॉब्स करती रहती थी, इसलिए उसे विश्वास था कि पायल उसकी मदद कर पाएगी। वो चाहती तो सिद्धांत का दिया हुआ क्रेडिट कार्ड यूज कर सकती थी, लेकिन आज तक उसने उसे नॉर्मली भी कभी यूज नहीं किया था, तो अब उसका उपयोग करना उसकी उसूलों के सख्त खिलाफ था। पायल उसकी बात सुनकर बहुत कंफ्यूज थी, क्योंकि प्रज्ञा अब बिजनेस टाइकून सिद्धांत महेश्वरी के साथ रहती थी, उसको पैसों की क्या जरूरत, और अगर उसे पैसों की जरूरत थी भी तो सिद्धांत से बोल सकती थी। प्रज्ञा तुम्हारी और सिद्धांत की लड़ाई हुई है, उस दिन अम्यूजमेंट पार्क में तो सब कुछ ठीक था, पायल ने अपना ऑब्जर्वेशन व्यक्त किया। उस दिन की याद आते ही प्रज्ञा का मन दुख से भर गया। उस दिन के बाद उसे लगा था कि फाइनली उन दोनों के रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत बदलाव आया था, वो दोनों एक दूसरे पर विश्वास करना सीख रहे थे, लेकिन आज प्रज्ञा के धोखे के कारण सब कुछ पर पानी फिर गया था। वो अभी तक खुद पर गुस्सा नहीं थी, लेकिन अब उसे खुद पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने गहरी सांस ली और बोली, मैं आजकल काम से जल्दी फ्री हो जाती हूं, इसलिए मैंने पूछा, अगर कुछ मालूम हो तो बताओ, इस बात की कोई चिंता नहीं है कि काम कितना भी कठिन हो, मैं सब कुछ के लिए तैयार हूं, प्रज्ञा ने कहा। उसे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है। पांडे अंकल की माँ अभी भी हॉस्पिटल में थी और उनकी दवाइयां बहुत ही महंगी थी, प्रज्ञा उनकी हेल्प करके ही रहेगी। दो दिन बाद उसे पायल का कॉल आया कि किसी जॉब के बारे में पता चला था। वो कोई असिस्टेंट की जॉब ही थी और सिर्फ वीकेंड के लिए ही उन्हें किसी अच्छे असिस्टेंट की जरूरत थी। ये क्लाइंट बहुत ही हाई प्रोफाइल था, लेकिन बात ये थी कि उसका काम एक रिजॉर्ट में था जो कि शहर के बाहर थोड़ी दूर बना हुआ था। प्रज्ञा ने काम के लिए तुरंत हाँ कर दी। उसे इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी कि उसे शहर से बाहर जाना होगा, क्योंकि आजकल सिद्धांत भी घर वापस नहीं आता था, तो अगर वो रात को लेट भी हो गई तो कोई भी दिक्कत नहीं थी। उसने तुरंत वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। उस दिन प्रज्ञा ने मधु को बताया कि वो रात को काम की वजह से थोड़ा बहुत लेट हो जाएगी और उस रिजॉर्ट की तरफ निकल गई। जब प्रज्ञा वहां पहुंची तो उसने देखा कि वो रिजॉर्ट अभी भी पूरी तरह से टूरिस्ट के लिए खुला नहीं था, लेकिन वो बहुत ही सुंदर जगह थी। उसे टैक्सी से वहां पहुंचने में 2 घंटे लगे थे। वहां कोई इवेंट प्लान किया गया था जहां सिर्फ कुछ ही लोग मौजूद थे।
प्रज्ञा वहां पहुंचते ही काम पर लग गई। माहेश्वरी एम्पायर के ऑफिस में सिद्धांत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, लेकिन वो बिल्कुल भी कंसेंट्रेट नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखों के सामने प्रज्ञा का चेहरा और उसके कानों में उसकी आवाज बार बार गूंज रही थी। अचानक से उसको इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी टेबल पर सभी चीजों को नीचे जमीन पर गिरा दिया। वो क्यों प्रज्ञा को अपनी जहन से नहीं निकाल पा रहा था, क्यों उसको सोते जागते उसके ख्याल आया करते थे। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन ने उसके दिल में अपना बसेरा बना लिया था। वो चाहकर भी किसी भी काम में मन नहीं लगा पा रहा था। उसके मुंह से फ्रस्ट्रेशन से भरी चीख निकली। अगले ही पल उसके ऑफिस का दरवाजा खुला और नेहा अंदर आई। नेहा ने जब देखा कि पूरा ऑफिस उथल पुथल था, उसने तुरंत सिद्धांत से पूछा, सर सब ठीक तो है ना? लेकिन सिद्धांत अभी किसी से भी बात करने के मन में नहीं था। जाओ यहां से, मुझे अकेला छोड़ दो, सिद्धांत ने कहा। लेकिन सर, नेहा ने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद बीच में ही कट गई, क्योंकि सिद्धांत इस बार बहुत जोर से चिल्लाया, तुम्हें समझ नहीं आता, मुझे अकेला छोड़ दो। उसका ये रूप देखकर नेहा सहम गई और तुरंत ऑफिस का दरवाजा बंद करके बाहर चली गई। सिद्धांत ने अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर फेरे। वो अपने इमोशंस पर काबू नहीं कर पा रहा था। न जाने कैसे बट प्रज्ञा को उसने अपने आप पर इतना कंट्रोल दे दिया था कि आज उसके वजह से वो किसी भी और चीज पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। उसको थोड़े समय की शांति चाहिए थी, लेकिन अगले पल ही उसका दरवाजा एक बार फिर खुला और इस बार तो सिद्धांत ने देखा भी नहीं कि कौन था और वो चिल्ला पड़ा, मैंने कहा मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन जब उसने देखा कि उसके सामने सुनील खड़ा था और उसका एक्सप्रेशन बहुत ही सीरियस था, वो बोला, क्या हुआ? मधु का फोन आया था, सुनील ने उसे बताया। क्या होगा आगे? क्या प्रज्ञा सेफली घर वापस आ जाएगी? क्या सिद्धांत को उसके इस काम के बारे में पता चल जाएगा? क्या उन दोनों की जिंदगी दोबारा खुशहाली से भर पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए जुनूनियत, द डेंजरस गेम ऑफ लव, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।